डिस्कस कर रहे थे वाउचिंग या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन के जो एविडेंसेस होते हैं वो कैसे चेक करने होते हैं, अब अपन बात करते हैं इसी में। ऑडिट ऑफ पेमेंट्स, एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक जो फर्म होती है वो कई तरह के पेमेंट्स करती है, उसकी सेल्स भी होती हैं, पेमेंट के वेजेस का भी देती है, कई तरह के पेमेंट्स होते हैं। तो उनके ऑडिट्स में क्या क्या ध्यान रखना होता है और उसमें अपन पर्टिकुलर एक एक चीज देखेंगे कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन को कैसे कैसे चेक करना होता है। तो पहला करते हैं अपन एक परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स एक ऑर्गेनाइजेशन परचेज करती है, चाहे वो रॉ मटेरियल में करे चाहे वो कैसे भी करे, अपने एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए उसको लिए कुछ रॉ मटेरियल्स या कुछ इंटीग्रल पार्ट्स ऐसे होते हैं या मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो उसको रिक्वायर होते हैं परचेज करने के लिए। उनके ऑर्डर करने के लिए अपने क्या क्या ध्यान रखना होता है, पहला है कैश मैम, जो एक कोई भी अगर गुड परचेज करती है ऑर्गेनाइजेशन तो वो एक कैश मेमो इशू करता है जिससे वो परचेज करती है। तो ऑडिटर को जब भी किसी भी गुड्स के परचेज को चेक करेगा तो उसको कैश मेमो चेक करना है कि वो कितना अमाउंट का था, कौन सी डेट का था और क्लाइंट के नाम से इशू किया गया है या नहीं किया गया। उससे उसमें ये क्लियरिटी आ जाएगी कि जो ट्रांजेक्शन है वो क्लाइंट के ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही हुआ है और एक्चुअल है। तो उसका एक स्टॉक मेंटेन किया जाता है, स्टॉक मेंटेन किया जाता है तो उसमें अपने को गुड्स इन्वर्ट बुक में देखी जाएगी अपने द्वारा कि कोई भी गुड अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आया है तो उसकी एंट्री इन्वर्ट बुक में हमेशा होगी कि ये अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्टॉक में है आज के टाइम पे। तो ये चीज ऑडिटर चेक करेगा जब कैश इन्वर्ट बुक से, तो उसको जो कैश मेमो उसने पहले चेक किया था उसमें जो ट्रांजेक्शन बताया गया था किसी भी गुड का वो मैच हो जाएगा गुड इन्वर्ट बुक से कि ये एक्चुअल में अपने पास रिसीव्ड हो चुका है। पासबुक के ऑडिटर को चेक करनी होती है क्योंकि कई बार जो पेमेंट होता है वो चेक के द्वारा या बैंक के द्वारा किया जाता है, तो उसमें ऑडिटर पासबुक चेक कर लेगा कि जो ट्रांजेक्शन है वो एक्चुअली हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर उसका पेमेंट बैंक के थ्रू हुआ है या चेक से हुआ है तो उसकी पासबुक में एंट्री जरूर मिलेगी। कई बार ट्रांजेक्शंस बैलेंस शीट डेट के नजदीक किए जाते हैं, ऐसे ट्रांजेक्शंस को ऑर्डर को ज्यादा ध्यान से देखना होता है क्योंकि इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि कोई ट्रांजेक्शन बैलेंस शीट डेट के पास किया जाता है तो उसमें पेमेंट या तो कर दिया जाता है लेकिन वो गुड्स रिसीव नहीं होते, गुड्स रिसीव नहीं होंगे तो वो इन्वॉइस बुक में नहीं दिखाएगा, इन्वॉइस बुक में नहीं दिखाएगा पर कैश मेमो उसका रहेगा क्योंकि गुड्स वहां से परचेज अपन ने कर लिए थे और पेमेंट करना या तो पेमेंट पार्ट में अपन ने कर दिया होगा या फुली पेड कर दिया होगा। तो जो बैलेंस शीट डेट के पास में जो होते हैं ट्रांजेक्शन उनको केयरफुली अपने को देखना होता है कि ये प्रॉपरली रिकॉर्ड हुए हैं नहीं हुए, और उसमें गुड्स इन्वर्ट बुक में ये देखना होगा अच्छे तरह से, अगर ये गुड रिसीव हो गए हैं तो एंट्री होनी चाहिए और नहीं हुए तो एंट्री जब तक नहीं होगी जब तक वो गुड अपने पास फिजिकली अवेलेबल नहीं होगा। कोई अगर अपने सप्लायर को एडवांस दिया है तो उसकी भी अपने पास एक रिसिप्ट होनी चाहिए, ऑर्डर को ये चेक करना होगा। इसी के साथ साथ एक चीज और आती है इसमें, ऑथराइजेशन लेवल। ऑथराइजेशन लेवल से ये ऑर्डर चेक कर पाएगा कि कोई भी अगर गुड्स परचेज किए हैं ऑर्गेनाइजेशन ने तो उसकी प्रॉपर ऑथराइजेशन ली गई नहीं थी या ली गई थी, क्योंकि जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है जो रिक्वायरमेंट रेज कर रहा है वो उसको परचेज नहीं कर सकता, उसके लिए वो अकाउंट सेक्शन में उस चीज के लिए ऑथराइजेशन अकाउंट सेक्शन से मिलेगी कि ये चीज अपन परचेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसमें जो ऑथराइजेशन मिली है किसी भी गुड को परचेज करने के लिए उसको एक ऑर्डर को अच्छे से चेक करना होगा कि वो प्रॉपरली ली गई थी या नहीं ली गई थी, क्योंकि कई बार ट्रांजेक्शन बिना
मैनेजमेंट के या ऑथराइजेशन के भी कर लिए जाते हैं, तो उनको चेक करना ऑडिटर के लिए नेसेसरी होता है।